बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज बनने जा रही है इंस्टेंट फ्रूट चाट। इंस्टेंट किस लिहाज से है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रूट्स की कटिंग जो है ये काफ़ी टाइम लेती है, मगर जो तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देगा। फ्रूट प्रोसेसर सबके घरों में होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका ये जो प्लेट है, एक प्लेट जो है ये कद्दूकश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो फुली ग्रेट कर देता है, और जो दूसरा वो बड़े अच्छे से स्लाइस में काट देता है। मेरे पास एप्पल्स थे, एप्पल्स की जो भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड है आप उस लिहाज से काटें और बाद में इसको प्रोसेसर के अंदर डालते जाएं। बनाना, एप्पल्स, ये बहुत ही फाइन से इसके अंदर कट हो जाते हैं, जो मैंने आपके सामने कर लिए हैं। जो भी फ्रूट आपके पास हो, घर में पड़ा हो, आप करके देखिएगा। मेरे पास घर में एप्पल और बनाना ही थे, मैंने उनको अच्छे से इसके अंदर कट कर लिया है। ये बड़े फाइन से स्लाइसेस के अंदर हो गए हैं कट। अब मैं इनको एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। ये आप देखिए, ये कितने नाइस से लग रहे हैं, कितनी अच्छी एक तरह की इनकी कटिंग हुई है। बच्चों के लिए आप चिप्स इस तरह से काट सकती हैं, ये बड़े अच्छे से फाइन से स्लाइस बनेंगे। अब यहाँ पे एक बर्तन के अंदर मैंने लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और शुगर। अब मैं यहाँ पे ऑल पर्स क्रीम का एक पैक ले रही हूँ। आधी क्रीम जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इसके अंदर अगर चाहें तो आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि सिर्फ चीनी ही ऐसी चीज़ है कि जिसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब जो भी फ्रूट्स है वो हम इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और जो हमारी आधी क्रीम रह जाएगी वो हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। वो इसलिए कि जैसे जैसे आप सर्व करें आप मिक्स करके सबको दें। वैसे फ्रूट्स पड़े रहें तो वो पानी छोड़ देते हैं। आप मेरी इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।